विद्यार्थियों कैसे हो, आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। आज हम आपको कराने वाले हैं 10th क्लास के 9 चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्नावली। 9.1 के दो प्रश्न बचे हैं, प्रश्न संख्या 15 और 16। इन प्रश्नों को हम आपको इतने आसानी तरीके से कराएंगे कि आपने शायद इन ऐसे तरीके कभी नहीं देखे होंगे। तो देखिए पहला प्रश्न यानी 15वां प्रश्न। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मीनार के शिखर का कोई व्यक्ति खड़ा है, वह एक कार को देखता है जो 30 के अवनमन कोण पर है, जो कि मीनार की ओर एक समान स्पीड से चल रही है, और कुछ समय बाद यानी 6 सेकंड बाद वह एक बिंदु पर पहुंचती है जहां पर उसका अवनमन कोण बदलकर 60 हो जाता है। तो इस बिंदु से और उस मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा। तो आइए बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिएगा ये कोई मीनार है, इसको हम ए भी मान लेते हैं, और ये एक सड़क जाती है, और इस सड़क का ये बिंदु सी है। इस सी बिंदु से इस व्यक्ति का जो आंख पर अवनमन कोण बना है वो कितना है, 30 डिग्री है। ये क्षैतिज रेखा है, इसके साथ बना कोण 30 डिग्री है। अब ये कार बी सी स्थान से यहाँ पर डी पर आ जाती है, तो इसका अवनमन कोण अब बदल जाता है, प्रश्नानुसार कितना हो जाता है, 60 डिग्री का अवनमन कोण हो जाता है। हम जानते हैं ये वाला कोण 30 होगा इसके बराबर, और ये वाला होगा 60। हमने इसको सॉल्व करना है, तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना बी सी डी बराबर एक्स मान लिया हमने, सी डी बराबर एक्स, और डी बी बराबर हमने मान लिया वाई, यानी जो डी बी दूरी है वो वाई है। हम देखते हैं, देखो ये जो त्रिभुज है इसमें एंगल सी डी ए, सी डी ए प्लस एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। किससे, रैखिक युग्म से। हम इसको रैखिक युग्म लिख सकते हैं, रैखिक युग्म से, लीनियर पेयर से। तो सी डी ए को हमने निकालना है, तो एंगल सी डी ए इक्वल टू 180, और इसका मान दे रखा है 60 डिग्री, तो हम इसको इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 60 डिग्री। तो 180 में से 60 गए तो बचेंगे 120 डिग्री, यानी ये वाला एंगल जो है वो हमें मिल गया 120 डिग्री का। अब हमने इस एंगल को निकालना है, तो इन दोनों का योग यानी एंगल सी प्लस एंगल डी, ऐसे डायरेक्ट ले लेते हैं, प्लस एंगल ए बराबर भी क्या होगा, 180 होगा, और सी का मान कितना है 30, डी का मान कितना है 120, और एंगल ए ये इतना वाला हम निकाल रहे हैं, ए इक्वल टू 180। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150 हो गया, यानी 150, तो कितना बच जाएगा, एंगल 30, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। अब सी और ए बराबर हैं, एंगल सी बराबर एंगल ए, दोनों कितने आ गए, 30 डिग्री के आ गए। इसका मतलब सी डी बराबर ही, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी ए यानी एक्स। तो जो डी ए की वैल्यू है वो भी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। अब हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, अब देखो मैंने ए आधार दिया है और कर्ण दिया है, तो हम जानते हैं लाल बट्टे कक्का यानी आधार बट्टे कर्ण, तो इस एंगल के लिए आधार ही हो गया, तो कॉज 60 डिग्री इक्वल टू आधार डी बी बटे में ए डी। कॉज 60 की वैल्यू होती है 1/2, और डी बी की वैल्यू वाई है और ये एक्स है, इट मीन्स 2y बराबर एक्स हो जाएगा, यानी y बराबर एक्स बटे 2। तो अब यहाँ से समय कितना लगा, तो x दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6 सेकंड है, प्रश्न में दे रखा है 6 सेकंड। तो xy 2 दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड, आधा समय लगेगा, दूरी आधी है तो समय भी आधा ही लगेगा। तो हमारा आंसर मिल गया हमें कि
डी से बी तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, ओनली 3 सेकंड का समय लगेगा। तो हमने इसको बहुत ही आसानी तरीके से किया। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, उससे पहले हम इसको मिटा लेते हैं। यदि आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर सकते हो, या फिर समझ लिया है तो अपने आप ही कर लोगे, बहुत आसान था। अगला प्रश्न लास्ट है, वो भी बहुत आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपकी परीक्षा में आया है, लगभग हर बार आता ही है, तो समझते रहिए। मीनार के एक आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं, तो सिद्ध कीजिए कि उस मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मान लीजिएगा ये कोई मीनार है और इस मीनार से एक बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है, यानी ये दूरी कितनी है, 9 मीटर है, और एक दूसरा बिंदु है वो 4 मीटर की दूरी पर है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए दे रखी है 4 मीटर। इसको मान लेते ए बी सी और डी। अब इनके जो अवनमन कोण हैं, सॉरी उन्नयन कोण दिए हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ से सीधे यही लेंगे, इसका उन्नयन कोण दिया है और इसका उन्नयन कोण दिया है। मान लीजिएगा इसकी दूरी हमने h मान ली, तो उन्नयन कोण दिए हैं, पूरक कोण हैं, तो पूरक हम जानते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो। तो यदि हम इसको थीटा मान लें तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और यदि इसको थीटा माने तो हम इसको 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो देखते हैं, माना एंगल डी बराबर थीटा, तो एंगल सी बराबर 90 माइनस थीटा होगा, और ए बी को हमने मान लिया एच। तो सबसे पहले हम देखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में टेंजेंट थीटा इक्वल टू एच, यानी यहाँ पर एच नहीं, पहले हम ये लिखते हैं ए बी बटे में डी बी। तो टेंजेंट थीटा ए बी की वैल्यू हमने एच मानी है और डी बी की वैल्यू 9 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब पुनः समकोण त्रिभुज ए सी या ए बी सी में, ए बी सी में टेंजेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंबटे आधार यानी ए बी बटे में बी सी, यानी टेंजेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू एच बटे में 4। ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। अब हम इसको हल कर लेते हैं, समीकरण एक और दो का गुणा कर देंगे यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड का गुणा करने पर, आपस में गुणा कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू एच अपॉन नाइन और इंटू क्या है, एच अपॉन फोर। तो देखो यहाँ पर टेंजेंट 90 प्लस, सॉरी डॉट में है, इंटू में है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा हम जानते हैं कॉट थीटा होता है, तो ये हो गया कॉट थीटा इक्वल टू एच स्क्वेयर बटे में 36। अब देखो टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा का मान एक होता है मल्टीपल में, कैसे होता है वो ले देते हैं, कॉट थीटा बराबर होगा 1 बटे टेंजेंट थीटा और एच स्क्वेयर बटे में 36। टेंजेंट से टेंजेंट कट गया, यानी 1 बराबर आ गया एच स्क्वेयर बटे में 36। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एच स्क्वेयर बराबर क्या हो जाएगा, 36, यानी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-6। तो हम प्लस ही लेंगे, दूरी को हमेशा प्लस में लेते हैं। तो यही प्रूव करना था कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 6। मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर।
तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझ आएगा, पूरा चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आज के दो प्रश्नों को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और यदि आपने अच्छे से समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से 10th क्लास की पूरी NCERT का पुस्तक का सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और हमारी जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसकी प्लेलिस्ट है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप हमारे पूरे वीडियो को भी देख सकते हो। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, हमारा जो अगला चैप्टर है 10th उसके साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।